हेलो गाइस, स्वागत है आपका वैलिड ट्रेडिंग के नए व्लॉग में। और आज वीक का आखिरी दिन बच रहा है मोंगे भाई, तो आज ट्राई करेंगे वीक का आखिरी दिन अच्छे से प्रॉफिट में बंद करने का। ठीक है गाइस, और देखते हैं कैसा रहता है भाई। कहाँ खुल रही है मार्केट तो फ्लैट ही खुल रहा है, फ्लैट ही खुल रहा है, तो देखते हैं गाइस, स्टार्ट करते हैं। गाइस टाइम हो रहा है 9:40, ठीक है, और मार्केट धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है। उमीर भाई कोई पोजीशन बनाए? बिल्कुल अभी अभी 2000 रुपये चल रहा है, 1800 क्वांटिटी है, 263 रुपये की कॉल को शॉर्ट करा हुआ है, नीचे के लिए पोजीशन है ना उमीर भाई? उमीर भाई उसमें कितने स्टॉक्स निफ्टी में माइनस प्लस हैं, जब चेक करके बताओ। लास्ट में से ज़्यादा शेयर तो माइनस में है नहीं अपने फेवर, तब भी कितने गिनियों? ठीक है भाई ले लेंगे, वेट करते हैं बस। निफ्टी में 22 से स्टॉक बढ़कर 30 तक माइनस में आ जाए, 30 स्टॉक 50 में से, तो और भी अच्छा ट्रेड ये जा सकता है ना, डाउन ट्रेंड अच्छा आ सकता है। अभी बस थोड़ा सा वेट है, क्वांटिटी में कम है शॉर्ट माइनस में, बट लेट्स सी गाइस क्या होता है। ब्रेक करने के बाद हमने ट्रेड ली है लो कल का, और अब वेट कर रहे हैं नीचे जाने के लिए, देखते हैं क्या होता है गाइस। ओमवीर भाई अब उस यार उसका एस एल बी लगा लेते हैं, है ना? अभी कितना चल रहा है प्रॉफिट? 12-13 हज़ार चल नहीं रहा, 12-13 हज़ार, बट ज़्यादा एस एल 270 ही लगा लेते हैं। 270 ही लगा दो भाई, कभी भी लेकिन जा भी सकता है होगा, तो अभी तो बहुत छोटा एस एल है, लेकिन अगर थोड़ा ज़रूरत पड़ी तो हल्का सा बढ़ा भी सकते, बट बताएंगे अगर बढ़ाएंगे तो। और ये शॉर्ट कितने पे करी थी? 263 पे, 7 पॉइंट का है अभी तो एस एल, ठीक है। अच्छा, बट वही मैं कह रहा हूँ कि बढ़ा भी सकते हैं क्योंकि काफ़ी छोटा एस एल है, क्योंकि यहाँ से मार्केट लगातार नीचे हम अगर सोच रहे हैं कम से कम 70,000 रुपये का, 40 पॉइंट का, तो 20 पॉइंट का तो एस एल लगाएंगे, हैं अमीर भाई? सही नहीं बोल रहा, 1:2 का तो रिस्क रिवॉर्ड रखना बनता है, बट वही है मार्केट में बहुत तेज़ फॉल आया है, इसीलिए वेट करना पड़ेगा हमें। अभी 2000 माइनस चल रहा है, मार्केट थोड़ा सा लो से नीचे आ गया है, बट हाँ और नीचे रेड बनाते चल जाए तो और अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। गाइस टाइम हो गया 11 बज गए अराउंड, और मार्केट तो ऊपर नीचे आ गया है, और ऊपर भी चला के नीचे आ गया दोबारा से, ऊपर चल के नीचे आ गया है, तो भाई देखते हैं लोगों का क्या क्या चल रहा है। उमीर भाई क्या हुआ? लॉस हो गया, ऊपर चला गया ना, ऊपर जाके फिर नीचे आ गया, पर हमारा तो ऐसे ले लिया, अपना तो ऐसे हो गया था, तो गाइस आज 26,000 का लॉस हो चुका है, ठीक है। बाकी अभी इससे रिकवर करने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, देखते हैं अगर होता है तो, क्योंकि कर नहीं रहा हूँ मैं, प्रीमियम बहुत कम है जिनसे सोचा था थोड़ा, तो आज फ्राइडे के दिन अवॉइड करने का सोच रहे हैं, देखते हैं देखते हैं। तो गाइस टाइम हो रहा है 11:26, ठीक है, और ओमवीर भाई क्या बना रखी है पोजिशन? देखो गाइस सबसे पहले तो एक चीज़ ये बता देता हूँ कि मार्केट में ना आज सिर्फ और सिर्फ ऐसा एंट्री हुई है ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब ये है यहाँ पे मार्केट में प्राइस एक्शन बनाकर नीचे आने की कोशिश कर रहा था, तो हमने नीचे की पोजीशन ली थी, लेकिन हमने ली थी निफ्टी में, लेकिन अपना एस एल गया इतना लंबा कैंडल बनाया तो उसके बाद दोबारा नीचे आ गया। अगर आप बैंक निफ्टी में कोशिश करते हैं बैंक निफ्टी बनाने की प्रीमियम, तो उसमें भी कुछ नहीं हुआ है, आप देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसमें स्पाइक लगा, ठीक है, इसमें भी ऊपर नीचे हो रहा है, मतलब ये है कि हाँ एस एल अगर आप सही रख के सही जगह करने की कोशिश करोगे भी तो जहाँ तक एस एल जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो हमने उसके बाद एक ट्रेड के बाद कोई ट्रेड नहीं करने की कोशिश की है, उसके बाद एक हैज बनाने की जो सिंपल सी नॉर्मल, क्योंकि मार्केट कहीं निकल भी नहीं रहा प्रॉफिट भी नहीं दे रहा, तो हमने क्या एक हैज बनाया, ज़्यादा टारगेट नहीं रहेगा इसमें, कॉल और पुट दोनों हमने सेल कर दिए हैं, ठीक है, क्योंकि मार्केट हो सकता है मे बी रेंज में रहे, अगर ये रेंज में रहता है तो टारगेट ज़्यादा नहीं है इसका, हम 10 से 12 हज़ार रुपये जो भी मिल जाए, 10 हज़ार रुपये जहाँ तक मिल जाएंगे तो हम 15,000 के लॉस में आज हम बंद कर देंगे, ठीक है, जो भी मिल जाए, क्योंकि अगर मार्केट साइडवेज रहेगा तो मे बी चांसेस हैं कि यहाँ से 20-30 पॉइंट का डीके आ जाए, अगर 20-30 पॉइंट टूट जाते हैं 20 लॉट में तो हमें 10 से 12 हज़ार रुपये मिल जाएंगे आराम से, जो कि एक नॉर्मल सा लॉस होगा वो हम एक्सेप्ट करके बंद कर देंगे, ये पता नहीं ऐसे दिन ओमवीर स्किप रखेंगे, तो जो अच्छे दिन होते हैं उन दिन में फिर ट्रेड भी कर पाएंगे,
अगर ऐसे दिनों में ट्रेड करेंगे तो लॉस होगा, ट्रेड कर करके लॉस ही हो जाएगा ना। लॉस जब होगा तो फियर आ जाएगा, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा मेरी हर ट्रेड गलत जा रही है, लेकिन असलियत में आपकी ट्रेड गलत नहीं जा रही, थोड़ा मार्केट में वोलेटिलिटी है, ठीक है, क्योंकि मार्केट अच्छा नहीं है आजकल इतना। अच्छे मार्केट में, ट्रेंडी मार्केट में आप पकड़ोगे तो हो सकता है चांसेस हो प्रॉफिट होने के, लेकिन अगर आप कहीं का भी आप ट्रेड ले लोगे ना, इसमें ना आपको ऊपर प्रॉफिट होगा ना आपको नीचे प्रॉफिट होगा। आपको जब प्रॉफिट ही नहीं होगा तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरी प्रेडिक्शन बहुत ज़्यादा गलत है, जबकि असलियत में प्रेडिक्शन सिर्फ कुछ ही दिन गलत होती है, कुछ ही दिन सही होती है, लेकिन एक ही दिन जिस दिन गलत होनी होती है उसी दिन सारी गलत कर लो तो वो चीज़ अच्छा नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक दिन ऐसा होता है जिस दिन आप कुछ भी कर लो आपको प्रॉफिट ही नहीं मिलेगा, तो उस दिन कितनी प्रेडिक्ट कर लो, जब ऊपर नीचे जाए तो वॉलिटी में मार्केट ही जा रही है तो फायदा क्या उस दिन करके, तो एक दिन लॉस लो और उस दिन बंद कर लो, ठीक है भाई। सिंपल सा फंडा है, तो इसीलिए हमने हैज बना दिए, हम ज़्यादा एफर्ट नहीं डाल रहे, हैज बना के कॉल पुट दोनों मार दिए, और अब कुछ प्रीमियम ट्राई करेंगे एब्जॉर्व करने का, थोड़ा डिके करा के और बंद कर देंगे, लॉस को एक्सेप्ट कर लेंगे। लॉस को एक्सेप्ट करके बंद करना भी बहुत ही अच्छी आदत है, जो जिसने हमें प्रॉफिटेबल भी बनाया है। ओमवीर भाई ठीक है भाई, ऐसे ही चलना है गाइस, डिसिप्लिन, और देखते हैं आगे क्या होता है। ओमवीर भाई पहले तो तुम किसी और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में ट्रेडिंग करते थे, अब धन में क्यों करते हो? देखो धन में कुछ फीचर्स हैं उसकी वजह से, ठीक है, उसमें ट्रेड लेना बहुत ही इजी है। दूसरा क्या है, ब्रोकरेज क्या है, उसमें लेडीज़ के लिए 10 रुपये पर ऑर्डर है और मेल्स के लिए तो 20 रुपये है ही, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, जो भी आप अकाउंट खुलाना चाहते हैं, जो भी कम ट्रेड मतलब कम ब्रोकरेज का अगर नहीं, अगर वो चाहते हैं कि उनकी कम ब्रोकरेज लगे, तो क्या कर सकते हैं कि अपने बहन या मम्मी के अकाउंट में ट्रेड कर सकते हैं अकाउंट ओपन करके। इसमें मंथली मेंटेनेंस कुछ भी नहीं है, 0 रुपये चार्ज है। सबसे अच्छी बात, ओपनिंग फी भी इसमें 0 है, ठीक है। उसके साथ साथ इसमें किल स्विच का बटन मिलता है, जो कि मुझे आज दबाना चाहिए था। किल स्विच के लिए ये है किल स्विच बटन, अगर मैं इसे प्रेस कर देता हूँ तो आज के लिए मेरी ट्रेडिंग बंद हो जाती है, और इसका हम यूज़ कर सकते हैं ओवर ट्रेड जब होने का खतरा हो, ठीक है। ज़्यादातर यूज़ करो इसे जब आपकी लॉस लिमिट पहुँच चुकी है वहाँ तक, ठीक है। मैं भी यूज़ करता हूँ कभी कभी जब मुझे लगता है कि मेरे से ओवर ट्रेडिंग हो सकती है, तो भाई बहुत ही बेहतरीन फीचर है। ऑप्शन चेंज से हुए कि वहीं ले सकते हैं हम ट्रेड, ठीक है। बता देता हूँ कि यहीं पे चार्ट पे अगर लेना हो तो मल्टी चार्ट भी है इसमें, ठीक है। ये दोनों तरफ आप एक साथ दो चार्ट, तीन चार्ट, कितने भी चार्ट लगा सकते हो यहीं से। अगर आपको ऑप्शन चेंज देखना हो तो यहीं से देख सकते हैं, लाइव यहीं की यहीं दिखती है, ठीक है। यहीं से ट्रेड लेना हो तो वो भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो सब कुछ बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है, साधारण है। तो इसमें अकाउंट खोल के आप अकाउंट अपना ओपन करके आप भी एक्सपीरियंस ले सकते हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, ठीक है। बस भाई गाइस, टाइम हो रहा है 12:38 और स्पाइक लग रहे हैं यार, बहुत दबा दबा के। ओमवीर भाई यार इतने दबा दबा के, कुलदीप भाई मार्केट से कुछ हेजिंग का क्या हुआ? हेजिंग तो मैंने अभी निकाल दी, अभी बचाया गाइस हमारा 19-20 हज़ार, लेकिन कुछ भी प्रीमियम डिके नहीं हुआ था। वो बुक कराए हेजिंग निकाल के एक तरफ से, सिंगल में 5,000 रुपए रिकवर करा हुआ है ना। कुलदीप भाई कैसी मार्केट चल रही है? तुम्हें एक मिनट प्लस में दिखा रहा था एक लॉट में तुम्हारे पोजीशन, और प्लस से कॉस्ट टू कॉस्ट छोड़ो उल्टा माइनस में फेंक दिया है भाई एक मिनट में ही। अंकित भाई, भाई मैं तो कुलदीप भाई को पहले बोल के गया था एक साइड मूवमेंट आने वाली है, ध्यान रखना तुम। अबे एक साइड बोला था तूने, दोनों साइड आ रही थी ना। भाई बैंक निफ्टी 35-40 पॉइंट की रेंज के अंदर घूम रही है, तो सिंपल सी बात है यार, कैंडल है तो कैंडल के ही जाएगी। ये 35-40 पॉइंट दिखाना, ये कैंडल कितने की है भाई? अबे वही तो बोलो, अभी तक देख रही है वो कैंडल हाई दिखाना भाई, उस कैंडल का कितना है वो वाले इधर बैंक निफ्टी में, ये वाले देखो, ये रही 195-44-200 तक, और नीचे कहाँ गई है? नीचे दिखा 100-40-50 पॉइंट की बोल कर घूम रही है बहुत देर से, मैंने बोला स्पाइक आएगी देख ले, पर एक तरफ आया ना स्पाइक, एक तरफ उमीर भाई एक तरफ प्रॉफिट दिखाए और कॉस्ट टू कॉस्ट पे आ जाए। नहीं अंकित भाई, अंकित 10 बजे से रेंज में फंसी पड़ी है, एक तरफ प्रॉफिट आए और फिर कॉस्ट टू कॉस्ट पे आज चलता है, प्रॉफिट दिखाया फिर कॉस्ट टू कॉस्ट, तो छोड़ो उसने लॉस ही उतना, एक तरफ आ गई तो बहुत बंदों को प्रॉफिट भी हो जाएगा, प्राइस एक्शन में सही होंगे उनको प्रॉफिट भी हो जाएगा। यार बताओ आज तो देखो भाई तो कहीं निकलेगी भाई 1:30-2 बजे तक, भाई पहले कह रहे यहाँ लगा दू ऐसे गई भाई, यहाँ वाले भी चला जाता है वही तो भाई कह रहे यहाँ भाई यहाँ मत लगाओ, यहाँ लगाओ इसके नीचे यहाँ पे, ये भी ऐसे चले ऊपर वाले लगा भाई। अब ये बताओ 1:30-2 बजे तक आएगा मोमेंट कहीं भाइयों कहीं मोमेंट ले आओ यार, आएगा इतना पता होता वो अभी ट्रेड लेके बैठा होता
भाई भाई ने अपने एक लॉट में पोजीशन बना रखी है तो बोला ऊपर के लिए आएगा, कन्फर्म कर रहे हैं भाई, थोड़ा सा दिलासा दे दो। फ्राइडे से चल रहा है सब, तुम देख लो खुद ही होता है, फिर बाद में एक और 3 बजे के 1:30-2 बजे ऐसे आता है। चलो भाई देखते हैं, ऊपर आ जाए तो अच्छा है, नीचे आएगी तो क्या ही मिलेगा यार। चलो देखते गाइस क्या होता है। तो गाइस मार्केट बंद हो चुकी है, और जैसे कि इस मॉर्निंग में लॉस शुरुआत हुई तो लॉस पे ही बंद करा है बस। लॉस लेकिन कम तो हो गया था, लेकिन अब थोड़ा सा और बढ़ गया, थोड़ा सा और एंड में थोड़ी सी गलती कर दी। अब गलती तो हो गई, जो गलती हुई उसे तो फिर लेके जाना पड़ेगा। तो दिखा देते हैं कितना लॉस हुआ है। तो छोटे वाले अकाउंट में अराउंड लॉस हुआ है 8,000-9,000 का, है ना, और बड़े वाले अकाउंट में 15,000 चल रहा था, बट एंड में फिर थोड़े से स्पाइक लगे जिसमें हेजिंग में एक चीज निकल गई थी, तो अराउंड 30,000 तक लॉस पहुंच चुका है। कितना? 38,000 पहुंच चुका है। वो तो काफी ज्यादा हो गया है ना। तो फिर यहीं पे बंद करते हैं आज का दिन, और पूरे वीक की हम स्टेटमेंट डालेंगे कल या परसों में वीडियो डालेंगे, तो उसे भी जरूर चेकआउट करना। ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। अपनी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, डिस्क्रिप्शन में धन का लिंक है, उसे उससे अकाउंट ओपन कर लो। ठीक है, तब तक के लिए बाय।